जय श्री राधा माधव, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से संत वचनामृत वृंदावन के गोलोकवासी संत पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली के उपदेश परक पत्रों से अलवंदार के एक श्लोक का भाव यह है कि मेरा जो कुछ है, मैं जो कुछ हूँ, वह सब आपकी ही संपत्ति है। मेरी बुद्धि ने यह निश्चय कर लिया है। फिर अब मेरे पास है ही क्या जो आपको समर्पित करूं? शुद्धा शरणागति यही है। मन में आश्रय अपने इष्ट देवता का ही रखना चाहिए। अन्य कोई मेरे कार्य को सिद्ध कर दे, मेरा कल्याण कर दे, ऐसी आशा नहीं करनी है। अपना भला भक्त भगवान से ही है, इसमें संदेह नहीं है। संत समाज में, सत्संग में राम की भक्ति ही गंगा की धारा है। ब्रह्म विचार अंत सलीला सरस्वती है। विधि निषेध कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय ही यमुना जी हैं। कृष्ण ही ब्रह्म हैं। उनके संबंध में, उनके स्वरूप की चर्चा सरस्वती है। इस त्रिवेणी में स्नान ही प्रयाग कुंभ स्नान का फल देगा। अक्षय वट विश्वास है। अपने इष्ट में, अपने धर्म में अटल विश्वास प्रभु कृपा से बना रहे तो समझो कि अक्षय वट की छाया में है। अक्षय वट के पत्र पर बाल मुकुंद कृष्ण दर्शन देते हैं, अर्थात विश्वास में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। श्री भरत भाई के स्मरण में श्री राम प्रसन्न होते हैं। विश्व के भरण पोषण करने वाले का नाम भरत है। सभी लोग श्री राम जी का स्मरण करते हैं। श्री राम जी भरत लाल का स्मरण करते हैं। भरत जी का स्मरण करने से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। राधा सर्वेश्वरी ब्रज की आराध्य हैं। उनमें सौंदर्य माधुर्य शौल्य आदि दिव्य गुणों का निवास है। राधा शब्द के उच्चारण से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। राधा के पदारविंदों की आराधना से श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। युगल स्वरूप एक ही है। श्री कृष्ण के नाम रूप में राधा और राधा के नाम रूप में श्री कृष्ण व्याप्त रहते हैं। केवल लीला रसवर्धन के लिए युगल दिव्य शरीर धारण करते हैं। जय श्री राधे।